जिस जिसने मेन चैनल पे वीडियो देख ली सट्टेबाज, वो कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी। जिसने नहीं देखी जाके एक बार देखो और फिर मेरे को बताना कैसी लगी। इतने में थोड़ा सा वर्कआउट कर लूँ फिर बात करूँगा तुमसे आराम से। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी कहानी सुना दूँ कि भाई मेरे साथ हुआ क्या। वीडियो डालनी थी कब, जो मैंने सोच रखा था फ्राइडे को डालूंगा 12 बजे, ठीक है। मेरा प्लान था कि मतलब मेरे को हमारा आइडिया था कि वीडियो बनेगी 25 मिनट तक की शूट होने के बाद। हम क्या करते हैं, शूट करते ही साथ साथ सीन जो है होते हैं वो रात को एडिटिंग भी चलती रहती साथ साथ, तो ऐसे करके सारा कुछ चल रहा था सारा काम। लेकिन जो लास्ट के 2 दिन थे उसमें हमने रात को एडिटिंग ना करी, हमने सोचा कि बाद में कर लेंगे। मतलब दिमाग में ये था कि 25 के मिनट के आसपास की वीडियो बनेगी। पर उसके बाद जब फाइनल करा हमने, तो भाई वो वीडियो की लेंथ जो बैठ गई वो हो गई 35 मिनट की। अब 10 मिनट की वीडियो मतलब एक वीडियो और बढ़ गई एक तरह से, है ना। तो वो काम उतना ही ज़्यादा डबल हो गया और भाई सारा काम 12 बजे वीडियो नहीं आ पाई। अगले दिन फिर मैंने सोचा कि अगले दिन 12 बजे फिर मैंने इंस्टाग्राम पर डाला कि भाई ऐसे ऐसे करके 12 मोस्ट प्रोबेबली डाल दूंगा, अगर नहीं डाल पाया तो फिर आएगी सेम डे पर वो हो जाएगी। तो सैटरडे को फिर मैं शाम को 7 बजे मैंने वीडियो अपलोड करी, वो भी इस चक्कर में कि मैं कहीं आया हुआ हूँ किसी काम से। तो यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड ठीक थी पर क्योंकि 35 मिनट की वीडियो थी तो उसमें बहुत ही टाइम लग रहा था। मैं होटल का जो वाईफाई था वो प्रीमियम कुछ इनका लेना पड़ा, वो लेने के बावजूद भी 30 MB/s की स्पीड आ रही थी, पर वो कहने की रहा 30 MB कम आ रही थी बस थोड़ी सी। मैंने उसके बावजूद वो लिया फिर भी अपलोड नहीं हुई। मतलब मैंने एडिट करके वीडियो मंगवाई, पहले वो डाउनलोड करी फिर वो अपलोड करी, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था। फिर कहीं जाके मतलब फाइनली हुई कि भाई सैटरडे को 7 बजे वीडियो मैंने पब्लिश कर दी, ठीक है। तो ये इस बार का मतलब मैंने जब तुम्हें पहले बताया था कि इस बार थोड़ा सा ये हो गया कि मैंने सोचा था ऐसा कि वीडियो जल्दी आ जाएगी और मैंने कमिट कर दिया कि भाई 12 बजे वीडियो आ जाएगी। अगली बार तो ऐसा करके करूँगा, अगली बार जब वीडियो पूरी तैयार होकर हाथ में ऐसे रहेगी ना कि एडिट होकर ये रही वीडियो, उसके बाद मैं कहूँगा कि भाई इतने बजे वीडियो आ रही है, ऐसा करके किया करूँगा। पर चलो कोई बात नहीं, इस बार की गलती तो मैंने तुमसे मांग ली थी, माफ़ी है। बाकी जिसने मतलब जिन लोगों ने बहुत वेट करा वीडियो का, क्योंकि एक महीने के बाद वीडियो आई है, तो जिन लोगों ने वेट करा वो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना कि वेट करना तुम्हारा वर्थ इट था या नहीं था। क्योंकि मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए हैं अभी तक वीडियो पर सारे बढ़िया, मतलब A to Z सारे कमेंट्स बढ़िया हैं कि भाई एक कमेंट मेरे को ऐसा ना लगा कि बेकार है या कि क्या लिख दिया किसी ने, सारे बढ़िया हैं। एक्टिंग को लेकर, स्क्रिप्ट को लेकर, डायरेक्शन, मतलब सब कुछ टोटली। तो प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, अभी तक वीडियो ट्रेंडिंग पर नहीं आई है अपनी, पता ना क्या चक्कर है यार। मेरे को शाम को वीडियो डालो जब ट्रेंडिंग पर, लेट आ गया या आवे ना ऐसा चक्कर हो जाए। तो अगर नहीं आई है तो उसे लाओ एक बार दोबारा देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाके देखो। और अगर आ गई है तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि कितने नंबर पर शो हो रही है तुम्हारे वहाँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, और भाई साहब कितने सारे लोग नहा रहे हैं। मैं सोच रहा था में कोई ना होगा, पर चलो। जो पिछली बार तुम्हें दिखाया था वो इन्फिनिटी पूल ना था, वो वैसा था नॉर्मल वाला, मतलब उसमें यहाँ पे वो लग रहे थे जैसे यो किनारा ना, अभी इसमें जो आदमी जैसे लेट रहा था सीधा नीचे जाएगा अगर कुछ भी होगा तो, पर उसमें वो जगह से लग रही थी तो उसे इन्फिनिटी पूल ना बोलेंगे, जो मतलब लास्ट टाइम जो पिछली बार जो मैं गया था जब तुम्हें दिखाया था। पर ये यो इसे शायद मेरे को पता ना वैसे, पर हाँ इसे इन्फिनिटी पूल, मतलब मेरे को इन चीज़ों को ज़्यादा नॉलेज है ना तुम्हें पता है, पर हाँ इसे शायद इन्फिनिटी पूल ही बोलते हैं। इसमें नहाने का है मज़ा, मैं सोच रहा था नहाऊंगा, एक तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, जिम के बाद जस्ट नहा लेता तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहा लूँगा। धूप तेज़ हो गई है, ऊपर तो बहुत सारे लोग हैं, ये सारे जो ये बैठने वाले हैं ये मतलब ये तो सारे बुक कर रखे होते कैसे पड़ा है ना, ये सारे इंगने लड़कियाँ नहा रही हैं भाई, और इंगने ये बालक नहीं साथ नहा रहे हैं, तो जगह नहीं है हमारे लिए। हम बस इस व्यू के साथ व्लॉग कर सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। इधर साइड भी देखो ये बढ़िया व्यू है वैसे तो, ये लेक इधर से, इधर ये पेड़ पौधे लग रहे हैं अपने, बढ़िया पेड़ पौधे नहीं पेड़ ही हैं तो प्रॉपर। बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए इस बार की भाई तुमने टाइम पे वीडियो नहीं डाली, पर भाई समझे करो यार, कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आगे से नहीं होंगी इस बात की गारंटी है। अगली वीडियो से जब मैं कह दूंगा कि इस तारीख को इतने बजे आ रही तो उसी टाइम आएगी, इस बार मतलब अभी तक के लिए भूल जाओ, ठीक है, पुराना हिसाब अपना भूल जाओ। आगे तो जो हिसाब रहेगा ना वो बहुत ही क्लियर और एक वैसा रखेंगे सपाट वाला हिसाब, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे नहाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा, पर यार यहाँ ना बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, मैंने शर्म से आ गया, अगर अकेला सोता तो मैं नहा लेता। बारिश देख लो तुम क्या भयंकर आई है, एकदम इतना तेज तूफान आया है कि बस पूछो मत। और अभी ना यहाँ पे इस जगह पे यहाँ बिल्कुल ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे ओड़ा सा पड़ा, पता ना बर्फ से गिरी आवाज है जी सब, या तो हो सकता है किसी का पत्थर वत्थर लगा हो, मेरे को एक बार को तो लगा चटक का शीशा, पर शायद चटका ना है वैसे ही हो रहा निशान थोड़ा सा। पर क्या भयानक मौसम हुआ एकदम से ही, बाहर बादल गरजने की आवाज सुनाऊं क्या तुम्हें, एक मिनट रुको, पानी अंदर घुस गया भाई। गाइस मुझे लगा नहीं सच में ओले पड़ रहे हैं भाई, ये देखो बोनट दिख रहा है तुम्हें, अरे यार ये कहां पूरा
आवाज आ रही होगी तुम्हें, देखो देखो भाई ऐसे तो शीशा भी टूट सके यार, ये तो देखिए थोड़े छोटे हैं साइज में पर है तो बड़े ही, वैसे छोटे बना देगी पिघलने के बाद भी ऐसा है। गाइस मैं वापस घर आ गया था अपने, और मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा घर पे मैंने व्लॉग भी शूट ना करा, मैंने आते टाइम भी व्लॉग शूट ना करा क्योंकि मेरे ना बाल थोड़े बहुत ज़्यादा बड़े हो रखे हैं, दाढ़ी वाड़ी ऐसी हो रखी है, तो मैंने सोचा पहले दाढ़ी वाड़ी सेट करवा के आऊँ उसके बाद फिर व्लॉग शुरू करूँगा। लेकिन उससे पहले बारिश इतनी तेज़ आ गई एकदम से कि मैं पहुँच चुका हूँ, ये देखो मेरे को अंदर जाना है इधर साइड, लेकिन बारिश इतनी तेज़ आ रही है, अरे मंदी होगी थोड़ी सी मतलब, पर बहुत तेज़ आप भी ब्लर क्यों मार रहा है यार, हाँ देखो कितनी तेज़ आ रही है अभी बारिश की, और बादल गरजने की आवाज़ शायद तुम्हें आ रही हो फ़ोन में, और बीच बीच में ओले भी पड़ रहे हैं छोटे छोटे से, तो मजबूरी में ये तो आवाज़ आई होगी भाई, कोई बादल फटा है बहुत खतरनाक। तो देखो यहाँ पार्किंग है वैसे तो, पर यहाँ तक लगा के मेरे को जाना पड़ेगा पैदल उतर के यहाँ तक अंदर तक, और इतनी देर में मैं पूरा भीग जाऊँगा, बिना बाल कटवाए नहा लूँगा, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा उस चीज़ का। तो थोड़ी देर या तो मैं देखता हूँ, या तो गाड़ी में वेट करता हूँ, या पीछे कुछ खाने का ले लेता हूँ, कोई ड्राइव थ्रू है पीछे, तो मेरे को गाड़ी में वेट करना पड़ेगा मजबूरी में, और दोबारा तुम्हें मेरे को इस शक्ल में झेलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं झेलोगे तो मैं क्या करूँ। बारिश जिस हिसाब का मौसम हुआ है देखना एक बार, यार कैमरे में वो चीज़ ना दिख रही जो हवा ऐसे लेती हुई जा रही है ना पानी ना, वो चीज़ दिख ना रही, लेकिन बहुत खतरनाक है। रुको थोड़ा सुनाओ, भाई साहब गाड़ी कांप रही है, भगवान कसम गाड़ी हिल गई, महाकसम ये क्या हो गया एकदम से, गाड़ी हिल रही है ऐसे बकायदा, भगवान कसम पूरी, देखो थोड़ा सा शीशा दोबारा खोल। गाइज मैं घर निकल रहा हूँ, बाल बाद में कटवाऊंगा ठीक है, आज और मेरे को इसी शक्ल में झेल लो, दूसरा कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं भाई। भगवान कसम बारिश एकदम मंदी हो गई थी, मैंने सोचा मोड़ लेता हूँ वापस, दोबारा मोड़ी गाड़ी की, चलो आपके बाद चला जाऊंगा, और एकदम से इतनी तेज ओले पड़ रहे हैं, आप देखो प्रॉपर ओले पड़ रहे हैं, और यो शीशा कई जगह था चटक रहा, देखो अंदर पानी पियो, देखो यो चटक रहा दिख रहा है, यो चटक रहा बाहर से, इतनी तेज इतने भयानक स्पीड में ओले पड़े हैं, और क्योंकि उल्टो हो पीछे से पेड़ लगा रखे हैं, वहाँ गाड़ी रोक भी लोगों ने पेड़ के नीचे, क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रहे हैं और गाड़ी इस डायरेक्शन जा रही है, तो दूनी स्पीड से लग रहे हैं ओले, बस एक बार भगवान किसी तरह मेरा यू टर्न पूरा हो जाए, उसके बाद मेरी गाड़ी बच जाएगी, नहीं तो चीज चटके ही चटके देखना यार, तुम बताना समझ पा रहे हो ना समझ पा रहे, लेकिन मेरे दिल पे लग रहे हैं ये ओले बहुत ज्यादा तेज, ये भगवान बचगा। तुम यकीन ना मानोगे, पता ना क्या चक्कर है, आप देख यहाँ कितना रिलीफ मिला, इधर साइड इतना कुछ भी ना है, मतलब ओले अब भी पड़ रहे हैं या नीचे पड़ रहे हैं, पर वो हवा यो वाली डायरेक्शन पड़ रही है ना, उधर साइड तो उल्टे लग रहे थे बहुत तेज शीशे पे, देखो एक मिनट बंद करके दिखाऊं तुम्हें, देखो यो यहाँ तो शीशा चटका है, यो वाला दिख रहा होगा, हाँ देख ये दिख गया चटका हुआ, ये साफ चटका हुआ दिख रहा है ठीक है, एक यहाँ तक देखो अंदर, मतलब अंदर पानी घुस गया, ये देखो डॉट डॉट अंदर पानी घुस गया, ये तो वो वाली बात होगी कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा तो खर्चा हो गया, वो वाला सीन हो गया मेरा, जो भी डायलॉग है वो मतलब वो चीज़ होगी, और क्या करें भाई, तो कोई ऑप्शन नहीं है भाई, यहाँ देखो कैसे बेचारे इनके, हे भगवान इतना भयानक तूफान एकदम से, कैसे महाकाल कैसे, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना वापस सोसाइटी में घुस चुका हूँ, मम्मी ने कह रही थी अपना यहीं पे व्लॉग बना ले, मैंने अभी मम्मी ने नई साड़ी पहन रखी थी, मैंने कहा मम्मी मैं ना बाल कटवाया हूँ उसके बाद बनाएंगे, मतलब अभी मेरी शक्ल अच्छी ना हो रही, और मेरी किस्मत देखो तुम, दोबारा वापस जाना पड़ रहा, मम्मी जाके पूछवाऊंगा मम्मी आप क्या कह रहे थे और क्या हुआ मेरे साथ, मम्मी भी हंसेंगी, चल भाई खुल जा बेटा खुल जा बस भाई खुल जा, बारिश के मौसम में तो गधे, ये देख लो गाइस हमारी सोसाइटी का हाल क्या हो चुका है, और ये तो अभी 5 मिनट सिर्फ 5 से 10 मिनट हुए होंगे बारिश, ऐसे ओले वाली बारिश पड़ते हुए, तो पेड़ पौधे मतलब ऐसे टूट टूट के आ गए रोड पर, देखना कैसे पत्ते वत्ते बिछ गए भाई, मौसम तो बड़ा कुछ नहीं हुआ भाई साहब, रेनबो दिख रहा है, ये रहा क्या सही लग रहा भाई, क्या सही वो लग रहा, और कितना बड़ा रेनबो बना है, कितना चौड़ा देखना, सही लग रहा ना, हल्का सा दिख रहा है, पीछे से और चेक कर लूं कहीं से कुछ चटका वटका तो ना है ना भाई, क्योंकि एकदम तो इतनी तेज ओले पड़े, इतने तेज ओले पड़े, अगला वाला शीशा तो गया, दिखाता हूं तुम्हें, अब दिखाता हूं ढंग से तसल्ली से, पर अंधेरा यार यहाँ दिखेगा ना शायद, और ये गंदा भी हो रखा भाई, देखो एक तो यो गया ठीक है, यो वाला पॉइंट यहाँ तक गया ठीक है, एक कहाँ गया वो, एक यो वाला गया, 2-3 जगह थे अंदर पानी घुस गया, इतना वो होगा, इतनी तेज एकदम तो भट 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 ओले लगे, पर कुछ नहीं कर सकते। एक चीज़ और बता दूँ, हमारे गुड़गांव में पानी की इतनी ज़्यादा वो नहीं है, निकासी नहीं है, अगर लगातार 2 घंटे बारिश आ गई ना, जैसा कि तुम अभी दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो ये हाल क्या हो गया 20 मिनट में ठीक है, और ये पानी गिरने लग रहा है,
अगर लगातार 2 घंटे बारिश आ गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, मतलब बहुत अचंभा ना होगा मेरे को कि पूरा बेसमेंट डूबा पड़ा है इतनी तेज बारिश में। क्योंकि याद है एक बार जो मतलब गुड़गांव के लोग हैं उन्हें पता, तुमने भी न्यूज़ में देखा होगा बाहर वालों ने भी, कि इतनी तेज बारिश आई थी कि अंडरपास वगैरह सब भर गए थे, बेसमेंट्स की पार्किंग सब भर गई थी और गाड़ियाँ ऐसे तैर रही थी पानी में। धोखा हो गया मेरे साथ मम्मी जी, बहुत बड़ा है बारिश आ गई बहुत तेज, ओढ़े पड़ रहे। मैं वही कह रहा मैं कि मम्मी ने कह रही थी कि अभी मैं नई साड़ी पहन रही मेरे सीन ले अभी तो कुछ लेने हैं, तो मम्मी ने कह रहे थे मैं नई साड़ी पहन रखी, अगर व्लॉग कराना है तो अभी कर ले जब मैं वैसे घर के कपड़ा पहन लूँ, तू जब लेके कैमरा जब खड़ा हो जाओ। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, अब आ ही गए लो आपके सीन, वापसी इंजन जा रहा हूँ ना, जैसे सोसाइटी से मुड़ते इंजन लेफ्ट ले रहा हूँ तो अब हवा इंगे उल्टी चल रही है, हाँ उल्टी हवा इंगे चल रही है और सीधे ओढ़े फटाफट फटाफट शीशा छटका आ गया ऊपर का अगला। बस क्या बताऊँ मम्मी, बड़े दुख में हूँ मैं, बड़े दुख में कट रही जिंदगी। अब दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ तक मौसम कैसा हो रहा, मम्मी की साइड से मम्मी कैसा मौसम दिख रहा होगा, ये देख है एक नंबर चीज, पर कम होगा अब तो हल्का होगा मम्मी। हाँ हाँ अब हल्का होगा, देखो वहाँ वहाँ दिख रही है शायद थोड़ी थोड़ी बोल दूर भी है मम्मी, अच्छा इंगे होगा। हाँ ये हमारा गाड़ी चटकाने के लिए था, बस इसे चटका दिया सच में। कौन सी गाड़ी का? अरे स्कॉर्पियो का ही है। तेरे स्कॉर्पियो का जो कुछ ना कुछ नहीं रहता। मैं क्या करूं? जिंदगी खराब है गाइस। क्या करता? अभी भी। अच्छा मम्मी कह रही है अब तो स्कॉर्पियो था हबीबी भी ना कहे ना, इसलिए उसके बुरे दिन चल रहे हैं। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो कह कह के था ना उसको रजा लगा दी, हबीबी कहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो भाई इसी गेटअप में मैं घर आ चुका हूँ, ठीक है। सोचा तो मेरा प्लान तो ये था कल रात में इस चक्कर में शूट ना कर रहा, फ्लाइट में भी ना कर रहा। मैंने कहा यार सीधा वहीं जाके थोड़ा हुलिया ठीक करवा के करूँगा, पर ठीक है भाई क्या करें, अभी बाल हैं तो हैं, तुम बुराई करोगे तो करोगे, जैसे हैं ऐसी रहेगी शक्ल, तो अब क्या कर सकते हैं। पर थोड़ा सा ये है मैंने सोचा था कि थोड़ा ढंग का हो जाऊंगा, बाल वाल कटवा के सेट करवा के, पर ठीक है ऐसे झेल लो आज और। अभी थोड़ी सी बारिश कम होती है वैसे तो होगी यार कम, पर मैं फिर गाड़ी लेके जाऊंगा फिर तेज हो जाएगी। वो इसी चक्कर में हो गया था कल मंगलवार है, इसी चक्कर में कल मंगल है मम्मी कटवा, मतलब मम्मी क्या कल मंगल है तो मैं ना कटवाया करूँ। मम्मी तो मम्मी के हिसाब से तो मंगल बृहस्पति शनि संडे, मेरा तो संडे भी बंद है और बताओ, मेरा शनि बंद ना है। अच्छा मेरा मंगल बृहस्पति संडे बंद है मम्मी की तरफ से, पर मैं मंगल मंगल ने ज़्यादा मानूँ। पर चलो कोई ना, थोड़ी सी मंदी होती है अभी कटवा कहूँगा, फिलहाल तो मैं इस व्लॉग को एडिट करके डाल देता हूँ। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय भाई। अभी इतनी तेज बिजली कड़की मम्मी, हाँ बहुत तेज बिजली कड़की है पूरे उसमें, वो रहा है अच्छा जेठा मतलब वो रहे है जो बड़ा रहे है भाई बहनों में सबसे बड़ा जो रहे है, मतलब जो सबसे बड़ा रहे है ना, ऐसे मम्मी ने बताइए मैंने तो पता ना, तो उस पर नुकाम है कि उस पर बिजली गिर सके, बड़े भारत पे बिजली गिर सके। तो मैं और मम्मी, हम मैं मम्मी और पापा भी बड़े ही थे अपने चारों भाई बहनों में, तो हम तीनों खतरा था बिजली के मौसम में, हम छत पे ना बैठे गए थे, नीचे आ जाए करते चीकू से, उसने कोई दिक्कत रहा वो बाहर ही डोल रहा। चलो कोई बात ना, लोग एडिट करते थे अभी के लिए बाय बाय।